क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड दीज आर वॉशेबल, तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो इजिली। अगर आपको देखना है स्टार ऑफ द शो तो उसके लिए आपको पता है मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं हर वीडियो के अंदर ना एक स्टार ऑफ द शो जरूर दिखाती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी ड्रीमलैंड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल देखे आप समझ ही गए हो कि आज की वीडियो होने वाली है अबाउट मीशो होम डेकोर हॉल। एंड मैंने ना कुछ किचन के भी आइटम्स ऑर्डर किए हैं, बिकॉज जैसा कि आपको पता होगा या जिनको नहीं पता होगा, मैंने ना अभी अभी अपना पहले वाला हाउस छोड़ दिया है और हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। सो थोड़ी बहुत ना किचन की चीज़ें चाहिए थी, कुछ मॉडिफाई करना था, कुछ चीज़ें निकालनी थी। सो इसीलिए मैंने ना कुछ और भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं जो अभी तक नहीं मिली है। सो मैंने सोचा कि उसको ना मैं पार्ट टू में दिखाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना वो पार्ट टू ही होगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही अमेजिंग होम डेकोर लेके आई हूँ। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना अंडर 500 रुपीज हैं। सो इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम साक्षी, आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, मेकअप, स्किन केयर, फूड, ट्रैवल एंड मच मोर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हॉल से और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार ना मैंने बहुत सारे प्लांट्स ऑर्डर किए हैं, फेक प्लांट्स, एंड मैंने सोचा कि इस बार ना कुछ प्लांट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो रियल प्लांट्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि अभी हमने शिफ्ट किया ना, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं एंड अभी तक लगाए भी नहीं है, बिकॉज हमने कुछ भी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, सारा सामान ना एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है। सो मैंने सोचा कि इस बार मैं ट्राई करती हूँ कुछ फेक प्लांट्स, सो दैट ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा घर भी सुंदर लगे। सो सबसे पहले मैं आपको फ्लावर्स ही दिखा देती हूँ, अब इतने सारे प्लांट्स की बात हो गई है तो। सो ये ना कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला था एंड इसके अंदर ना आपको 6 मिल जाएंगी। सो ये टोटल 6 हैं एंड कुछ ना मैंने वहाँ पे रख दिया है, कुछ मैंने कहीं कहीं लगा भी दी थी। सो जस्ट ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है एंड ये कुछ इस तरह से लगता है। अगर आप इसको पास से देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल भी ऐसा जब आप पास से देखते हो ना, बहुत ज़्यादा जब टच करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये फेक प्लांट है, बट जब आप इसको दूर से देखते हो ना तो ये बिल्कुल रियल ही लगता है एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर बात करते हैं क्वांटिटी की ना, तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, जब आप इसको बैक करोगे ना तो बैक पे कोई भी प्रिंट नहीं दिया गया है, तो आपको इसलिए इसको थोड़ा ऐसे फ्रंट में ही लगाना पड़ेगा सो दैट ये प्रिंट दिखता रहे। तो ये पूरा जो सेट है ना, 6 का सेट, ये 275 रुपीज़ का था, बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा 245 रुपीज़ का, बिकॉज मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था उसमें। सो अकॉर्डिंग टू 245 रुपीज़ द क्वालिटी इज़ सुपर्ब, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड मेरे घर पर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड मैं बहुत जल्दी ना इनको यूज़ करने वाली हूँ किसी ना किसी होम डेकोर में या कहीं पर भी इसको लगा दूँगी, एंड लगाने के बाद ना आपको इन फ्यूचर भी दिखाती रहूँगी कि कैसा है। सो कुछ इस तरह से लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है। आप ना इसको ऐसे बहुत ह्यूज सा प्लांटर लेके भी उसके अंदर लगा सकते हो, ये ना काफ़ी ऐसे लंबा भी हो जाएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे भी इसको लगा सकते हो। सो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पूरे ही 6 एक बार दिखा दूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये पूरा जो 6 का बंच है ना, ये कुछ इस तरह से बनता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इसको ना किसी भी ऐसे वास में लगा दोगे, पीछे देखो कितना प्यारा लुक देगा ये। अगर आपको ऐसे मेरी तरह वीडियोस बनाना पसंद है तो आप वहाँ लगा सकते हो, आप अपने घर को भी डेकोर कर सकते हो अलग अलग पीसेस के साथ। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी प्लांट्स के बारे में, सो मैंने सोचा कि पहले आपको सारे प्लांट्स ही दिखा दिए जाएँ। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये रियल जेड प्लांट है एंड दिस लुक्स लाइक दिस, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड मुझे पहले लगा कि ये मुझे ना शायद ख़राब रिसीव हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये आई थिंक इतना ही होता है और ये धीरे धीरे ग्रो भी कर जाएगा। सो इसके अंदर ना मुझे साथ में इन्होंने सॉइल भी दी है और प्रॉपर एक ना पॉट मिला है, तो मैंने जब फोटो में देखा था ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, मुझे लगा था कि इतना साइज़ होगा इसका, बट जब मुझे ये रिसीव हुआ है ना तो आई एम वेरी हैप्पी विद द साइज़। साइज़ इसका बड़ा है, वैसे मेरे किसी भी प्लांटर के अंदर अभी तक नहीं जा रहा है, बिकॉज मैंने ये प्लांटर के लिए मंगाया था, मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा छोटू सा होगा, बट एनी वेज इसके लिए ना मैं एक
प्लांटर खुद DIY कर लूंगी, तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है आपको ना। बाहर ऐसे जूट की डिटेलिंग में ऐसे येलो थ्रेड दिया गया है। अगर आप इसको एज इट इज भी लगाना चाहो ना, आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है 159 रुपीज का, एंड 159 रुपीज के अंदर भी ये अच्छी डील है। एंड घर पे सबको ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा है, स्पेशली मेरी सिस्टर को, बिकॉज उनको ना ऐसे प्लांट्स बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, एंड अब मुझे भी लगने लग गए हैं। सो यही एक प्लांट है जो मैंने रियल ऑर्डर किया है, एंड लेट्स सी कि ये कैसे ग्रो करता है। इसकी अपडेट ना मैं आपको देती रहूंगी। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं बहुत ही अमेजिंग फ्लावर्स की जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एंड आई थिंक ये चेरी ब्लॉसम इसको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ना मुझे दो का सेट रिसीव हुआ था, एक कुछ इस तरह से लगता है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये कलर भी, एंड मैंने ना पिंक और वाइट को ऑर्डर किया है, सो दैट अगर मुझे कभी दोनों को लगाना हो साथ में तो ये दोनों भी एक साथ ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। एंड अगर मुझे सिंगल सिंगल यूज़ करना है तो मैं सिंगल भी इनको यूज़ कर सकती हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने येलो पॉट के अंदर ना इसको वाइट को लगाया है, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अगर बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बट बहुत अच्छी लेंथ है इसकी। आप किसी भी इसको ना नैरो, अगर किसी का माउथ वाला प्लांटर है, जैसे मेरा ये वाला प्लांटर था, तो मैंने इसको भी इसके अंदर इजीली डाल दिया। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांटर है ना, आप उसमें भी इन दोनों को डाल सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैंने ये दोनों लिया था। आपको वाइट भी मिल जाएगा, प्योर पिंक भी मिल जाएगा, वाइट एंड ब्लू भी मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आई गेस रेड भी था, बट मुझे यही दोनों कलर्स ट्राई करने थे तो मैंने यही वाला लिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एंड दीज आर वॉशेबल, तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो इजीली। एंड ये मुझे मिला था 200 रुपीज़ का, सो 200 रुपीज़ के अंदर ना ये काफ़ी अच्छी डील है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, इसलिए मुझे थोड़ा और अच्छा डिस्काउंट मिल गया। बट अगर आप सिंगल भी इसको ऑर्डर करते हो ना, तो ये आपको 210 या 220 रुपीज़ में मिल जाएगा, विच इज़ नॉट अ बैड डील, बिकॉज ये मैंने लाजपत नगर में, सरोजनी नगर में एंड और भी अदर मार्केट्स में पूछे थे। सो ये सिंगल पीस ही ना अराउंड 200 और 250 के तो हमें मिलते ही हैं, तो उसके अंदर मुझे ये दो मिल गए। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा सुंदर वाइट लगा या पिंक लगा। अगर आपको देखना है स्टार ऑफ द शो, तो उसके लिए आपको पता है मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं हर वीडियो के अंदर ना एक स्टार ऑफ द शो जरूर दिखाती हूँ, एंड वो बहुत ज्यादा बॉम होने वाला है, ट्रस्ट मी। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। सो अभी जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, वो भी मुझे आज ही रिसीव हुआ है, एंड अभी तक इसको मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको साथ में ही अनबॉक्स कर लूंगी। तो मैं अभी इसको ओपन करती हूँ, एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये वॉल के लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है, सो लेट्स सी कि ओपन करके ये कैसा लग रहा है। सो अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं इसको ओपन कर पाऊँ, बट लेट्स सी, मैं अपने काजल पेंसिल से इसको ओपन करने का ट्राई करूँगी। यस, तो ये ओपन हो गया है, एंड ये मैंने ऑर्डर किया है वॉल के लिए, और इसका भी मैं प्राइस आपको बताऊँगी कि मुझे कितने का मिला है। पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है। सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, एंड अब मुझे लग रहा है कि मे बी जो साइज़ मुझे दिख रहा था ये साइज़ छोटा है, बट लेट्स सी कि ये कैसा लगने वाला है वॉल के ऊपर। सो ये ना MDF जो बोर्ड होता है ना, जैसे हमारे फ्रेम्स होते हैं, ये उसके अंदर बना गया है। जो मटेरियल मुझे फील हो रहा है वो कुछ ऐसा है, एंड ओके, तो एक छोटा है, बाकी दो बड़े हैं सेम साइज़ के। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एक बार इमेज देखनी पड़ेगी कि कैसा है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। अगर आपकी वॉल ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ऐसे फ्रेम्स में इन्वेस्ट कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड पीछे ना आपको ऐसे डबल टेप दे दी गई है, एंड आई गेस ये ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये डबल टेप से ईजिली लग भी जाएंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको ना इस तरह से हमें लगा देना है। सो अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, एंड ये आपको ना 3 का सेट मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने ना ये लीफ वाले ही ऑर्डर किए थे, बिकॉज पता नहीं मुझे आजकल ये प्लांटर्स और ये लीफ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सो थर्ड वन है ये, एंड मुझे लग रहा है कि ये तीनों सेम साइज़ का होना चाहिए था, या आई डोंट नो कि ये ऐसा ही बना गया है, एक छोटा बाकी दो बड़े। बट एनीवेज ये अगर छोटा है तो ये भी अच्छा लग रहा है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी वॉल पे इसको लगा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सी लुक दे रहा है, एंड मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये मुझे मिला आफ्टर डिस्काउंट
₹150 का, एंड मुझे लगता है 150 रुपीज के अंदर तो ये स्टील डील है, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, सो अब आते हैं स्टार ऑफ द प्रोडक्ट की तरफ, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मेरे मासी एंड मास्टर जी भी आए हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई है ये। एंड ऑलरेडी उन्होंने भी ये अपने घर के लिए ऑर्डर कर ली है, दो शिमला ले जाएंगे वो उसको। सो कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर ये रिसीव हुआ है, एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट है, बिकॉज ये प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा एंटीक एंड अमेजिंग है। एंड वैसे ना ये मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा भी था, बट बाहर ना ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। एंड जैसा कि हम लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा ऑर्डर किया जाए, और मैंने सडनली इसको मीशो पे चेक किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसका अच्छा लगा। सो आई थॉट कि एक बार ट्राई ज़रूर दिया जाए। सो ये कुछ इस तरह का वॉल क्लॉक रिसीव हुआ है मुझे, तो ये हैंगिंग वॉल क्लॉक है। मे बी आप लोगों ने इसे देखा भी होगा फॉर श्योर, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिखी गई होगी किसी मार्केट के अंदर। तो ये कुछ इस तरह की वॉल क्लॉक है, बहुत ही ज़्यादा एंटीक इसकी लुक है। एंड ये ना डबल साइड है, मतलब आपको इस साइड भी क्लॉक मिलेगी एंड इस साइड भी क्लॉक मिल जाएगी। सो बहुत ज़्यादा विंटेज लुक दे रही है। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, अगेन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, अकॉर्डिंग टू द प्राइस इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो जब आप इसको लगाओगे ना, तो आप इसको ऐसे हैंग कर सकते हो, सो दैट आप इस साइड से भी देख सको, आप जो उधर से आ रहा है उसको वो भी देख सकेगा। सो जैसे ही मैं इसको अपने घर पे लगाऊंगी ना, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो तक तो मैं इसको लगा ही दूंगी। सो ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। सो इसके साथ ना आपको ऐसे एक हैंगिंग भी मिल जाएगा, ये इसी के साथ है। बट एक प्रॉब्लम है इसके साथ ना, इन्होंने कोई भी नेल वगैरह नहीं दिया, आपको अपना ही लगाना पड़ेगा। बट एनीवेज दैट्स नॉट एन इशू। तो आप इसको ना ऐसे यहाँ से ओपन कर सकते हो, ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे लगाओगे एंड ये ऐसे हैंग हो जाएगा, एंड ये कुछ इस तरह की लुक देने वाला है, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। एंड सभी लोग पूछने वाले हैं आपसे कि आपने ये क्लॉक कहाँ से ली है। सो इसके अंदर ना सेल नहीं मिले थे, तो सेल मैंने अपने लगा दिए हैं। एंड जब आप इसको यहाँ से ओपन करते हो ना, तो यहाँ से ओपन करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे, तो यहाँ से आप इस पर ना सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। सो इसको ओपन कुछ इस तरह से किया जाता है, एंड दोनों साइड आपको ना ऐसे सेल लगाने पड़ेंगे। एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। एंड अगर कल को ये ख़राब भी हो जाए ना, तो आपके घर में तो ये वैसे भी विंटेज वाइब एक ऐड कर ही देगी। अगर ख़राब भी हो जाती है, तो देखने में भी ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सो कुछ इस तरह की लग रही है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, बिकॉज मैंने जितनी भी आज तक बाहर भी देखी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, अराउंड 1500, मतलब 1500 के अंडर तो आपको मिलेगी, 1000 से 1500 का प्राइस इसका होता ही होता है। सो मैंने ऐसी रेंडमली मीशो पर चेक करी, एंड ये मुझे मिली थी 533 रुपीज़ की, और आफ्टर डिस्काउंट जैसे मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था, तो मुझे मिली थी 500 रुपीज़ की। 500 के अंदर ना ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप भी अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हो ना, जो काफ़ी ज़्यादा विंटेज लगे और लोग आपसे पूछे कि आपने कहाँ से लिया है, सो डेफिनेटली यू शुड ऐड दिस क्लॉक। ट्रस्ट मी, चार चांद लगा देगी आपके घर में। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने बता दिया। एंड अगर पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा है, एंड सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप सेकंड पार्ट भी देखने को रेडी रहो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। सो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।